ब्रिटेन में ब्राह्मणवाद की करारी हार। गाय के नाम पर मांगी वोट, पीएम नहीं बन पाए ऋषि सुनक। यूके को यूपी समझा था क्या? इन तस्वीरों में सफेद शर्ट और काली पैंट में जो शख्स नजर आ रहा है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने का चुनाव लड़ रहा था। ऋषि मूल रूप से भारत के रहने वाले हैं, लेकिन ब्रिटेन में ही पले बड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो ब्राह्मणवादी तरीकों को अपनाना नहीं भूले। हुआ यूं कि ऋषि सुनक ने ब्रिटेन में गाय, गोबर और गोमूत्र की पूजा करके वोट बटोरने की कोशिश की, वैसे ही जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ गाय के नाम पर वोट मांगते हैं। लेकिन पंजाबी हिंदू खत्री जाति के ऋषि सुनक ने ब्रिटेन को यूपी समझने की भूल कर दी। लंदन वाली गाय माता ने गोबर तो दिया लेकिन वोट नहीं दिए। नतीजा ये निकला कि ऋषि सुनक प्रधानमंत्री का चुनाव हार गए। लिज ट्रस अब ब्रिटेन की अगली प्रधानमंत्री होंगी। कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व पद के मुकाबले में ऋषि सुनक को लिज ट्रस ने हरा दिया है। चुनाव में 82.6% वोटिंग हुई, जिसमें सुनक को 60,399 वोट मिले, जबकि ट्रस को 81,326 वोट मिले और वो जीत गई। जानकारों के मुताबिक ऋषि सुनक की हार की प्रमुख वजहों में से गाय, गोबर और गोमूत्र की सरेआम पूजा करना है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ऋषि के इस कदम ने उन्हें प्रगतिशील ब्रिटिश लोगों की नजर में दकियानूसी साबित कर दिया। इस बारे में स्वीडन में प्रोफेसर अशोक स्वेन ने ट्विटर पर लिखा, इन तमाम हरकतों के बावजूद लिज ट्रस ने ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने की रेस में ऋषि सुनक को हरा दिया। अपने आप के साथ सच्चा साबित होना जरूरी है। यूके यूपी नहीं है। गाय के नाम पर भारत में तो वोट मिल जाते हैं, लेकिन दुनिया के किसी और देश में कोई ऐसा करेगा तो लोग उस पर सिर्फ हंसेंगे। और कुछ ऐसी ही हंसी के पात्र बन गए हैं ऋषि सुनक। वैसे ऋषि सुनक ब्रिटेन में पले बड़े हैं और दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में उन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन उनकी हरकतों ने उन्हें बदनाम कर दिया। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील नितिन मेश्राम लिखते हैं, गाय पूजन, गौमूत्र और गाय गोबर ने ऋषि सुनक को डुबाया। बंदा दुनिया के बेहतरीन शहर लंदन में पैदा हुआ है, दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड से पढ़ा है, लेकिन उसका दिमाग 1200 सदी के इंडियन का है, ब्रिटेन कैसे स्वीकार करेगा? और हुआ भी यही, ब्रिटेन वालों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और चुनाव में हरा दिया। लेकिन शायद भारत में वो गाय, गोबर, गौमूत्र के नाम पर जीत भी जाते, लेकिन ब्रिटेन वाले इस मामले में भारतीयों से थोड़ा आगे निकले। इस बारे में दीपांकर नाम के फेसबुक यूजर लिखते हैं, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन पिछले महीने गो पूजा करके अपनी रूढ़िवादी होने का प्रमाण दे दिया, फलस्वरूप चुनाव ही हार गए। जरूरी नहीं कि जो फॉर्मूला इंडिया में चलता है वो ब्रिटेन में भी चले। बाकी एक बात तो तय है कि भारत का सवर्ण तबका विदेश में भी जातिवाद फैला चुका है। NRI लोग जाति देखकर शादी कर रहे हैं। कभी कभी लगता है कि पहले जो हिंदू धर्म में समुद्र यात्रा वर्जित थी, ठीक ही वर्जित थी। दीपांकर ने यहाँ एक जरूरी बात कही है कि भारत का सवर्ण तबका विदेश में भी जातिवाद फैला रहा है। दुनिया भर में बसे सवर्ण भारतीय अपने साथ जाति लेकर जा रहे हैं और वहाँ जाति के आधार पर भेदभाव भी करते हैं। ब्रिटेन में ऋषि सुनक की हिंदूवादी छवि को देखते हुए जानकार मान रहे थे कि अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो ब्रिटेन में जाति भेद को बढ़ावा मिलेगा और सवर्ण हिंदू अपने हिंदुत्व का खुलेआम इजहार करेंगे। वैसे ऋषि सुनक जितना गाय, गोबर और गोमूत्र के नाम पर बदनाम हुए हैं, उससे ज्यादा वो भ्रष्टाचार और टैक्स की धोखाधड़ी के मामले में भी बदनाम थे। कई मामलों में ऋषि पर गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे तमाम कारणों की वजह से ऋषि सुनक को हार का मुंह देखना पड़ा। अमेरिका में तो भारतीय मूल की ब्राह्मण महिला कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बन गई, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं हो पाया। ब्रिटिश लोगों ने ऋषि सुनक को नहीं चुना। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।